10th मैथ्स सीबीएसई आरडी शर्मा सॉल्यूशंस, इसके अंदर एमसीक्यूज दे रहे हैं। चैप्टर नंबर आरडी शर्मा में 11 है ये, और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। इसका थर्ड एमसीक्यू है जिसके अंदर स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू, यानी इसकी वैल्यू पूछी है कि ये किसके इक्वल है। फोर ऑप्शन एमसीक्यू में दे रखे होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है sec थीटा प्लस tan थीटा, सेकंड ऑप्शन sec थीटा माइनस tan थीटा, थर्ड ऑप्शन sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर, फोर्थ ऑप्शन sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर। अब हमें डिसाइड करना है कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट है। सॉल्यूशन इसमें देखो, सबसे पहले आप इसको लो 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। सबसे पहले इसमें ये देखना है कि फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई हो रहा है क्या, तो कोई तो फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई हो नहीं रहा है। ऐसी कंडीशन में इसको रैशनलाइज कर लेते हैं। रैशनलाइज का मतलब ये यहां जितना लिखा हुआ है इसका ऑपोजिट साइन से मल्टीप्लाई कर लेते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को। तो 1 माइनस साइन थीटा है तो यहां पर आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा, जितना यहां लिखा है उतना ही हमें ऊपर लिखना है। अब इसमें देखो ये हमारे पास दोनों सेम हो गए, यहां a माइनस बी और ये a प्लस बी। देखो a माइनस बी एंड a प्लस बी कितना होता है भाई, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब इसको देखो कि 1 प्लस साइन थीटा और ये 1 प्लस साइन थीटा, ये हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन यहां पर a माइनस बी और a प्लस बी कितना हुआ, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो ये a का मतलब यहां पर 1 है, 1 का स्क्वायर तो 1 हो गया, माइनस यहां b का मतलब यहां कितना है, कंपेयर करो उसको साइन थीटा, तो यहां पर हो जाएगा ये साइन स्क्वायर थीटा। अब अपन ने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ रखी है, उसके अंदर क्या था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1। हमें वैल्यू किसकी चाहिए, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की, तो साइन स्क्वायर थीटा को राइट साइड ले जाओ तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, मींस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह मैं लिख सकता हूं कॉस स्क्वायर थीटा, 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब स्क्वायर रूट है, ये स्क्वायर और ये स्क्वायर है, तो स्क्वायर रूट से ये स्क्वायर और ये स्क्वायर दोनों हट जाएंगे तो मेरे पास आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा, बिल्कुल शार्प ऑब्जर्वेशन होना चाहिए। अब देखो यहां ऊपर है 1 प्लस साइन थीटा और यहां पर कॉस थीटा है, ये कॉस थीटा दोनों के साथ अलग अलग लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो रिजल्ट्स क्या आएंगे मेरे पास, 1 अपॉन कॉस ये हो जाएगा सेक थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन। तब देखो कौन सा ऑप्शन हिट होगा, sec प्लस tan, sec प्लस tan है ये ऑप्शन नंबर ए, sec थीटा प्लस tan थीटा, तो ये हमारे पास में कोई ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। तो ये को चेक कर देंगे। इस तरह क्वेश्चन करने के लिए हमारे को ना फॉर्मूले पूरे अच्छी तरह से, ट्रिग्नोमेट्रिक जो आइडेंटिटीज है ना वो पूरी अच्छी तरह से याद होनी चाहिए, जिससे कि अपन बहुत जल्दी से आंसर अचीव कर सकते। फोर्थ एमसीक्यू है, द वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट 1 प्लस cos थीटा अपॉन 1 माइनस cos थीटा इज, और फोर ऑप्शन हमारे को दे रखे हैं। सिमिलर क्वेश्चन है, थर्ड अभी अपन ने किया था उसी बेस से इसको भी अचीव करते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले देखें स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस cos थीटा अपॉन 1 माइनस cos थीटा दे रखा है, इसके अंदर डायरेक्ट फॉर्मूला कोई अप्लाई हो नहीं रहा है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर 1 प्लस cos थीटा अपॉन 1 माइनस cos थीटा इसको रैशनलाइज कर देते हैं। तो रैशनलाइज का मतलब 1 माइनस cos थीटा है ना, इसका ऑपोजिट साइन लो, यहां 1 माइनस है तो हम यहां ले लेंगे 1 प्लस, और जितना यहां लिखेंगे उतना ही यहां पर लिखेंगे, ठीक है ना। ऐसी सिचुएशन में अब एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज का सहारा लेते हैं, ये दोनों तो सेम है तो इसको लिख सकता हूं 1 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर। यहां कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, a माइनस बी और a प्लस बी, अभी प्रीवियस क्वेश्चन में लिया था अपने a माइनस बी और a प्लस बी कितना होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a स्क्वायर हो गया, a का काम कौन कर रहा है 1, तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया,
और बी का काम यहां पर कौन कर रहा है, कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा हमारे यहां कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। इसके बाद आप देखो ये हमारे पास 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अभी डिस्कस किया था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। मुझे चाहिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा को राइट साइड शिफ्ट कर लेंगे, यहां पॉजिटिव है राइट साइड जाके क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। तो यहां पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा। अब आप इसको देखो, ये स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, ऊपर स्क्वायर रूट है, तो ये दोनों स्क्वायर हट जाएंगे, तो मेरे पास रिजल्ट आएगा 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब हमारे पास जो चारों ऑप्शन को ऑब्जर्व करते हैं तो इस तरह का मुझे भी दिख रहा है, तो मैं अब देखता हूं उसको और किस फॉर्म में चेंज किया जा सकता है। तो मेरे को सब क्या दिख रहे हैं, कॉट और कॉसेक में दिख रहे हैं, तो इससे मेरा माइंड में क्लिक होना चाहिए कि इसको कॉसेक और कॉट में कैसे लिखेंगे। तो यहां पर मुझे पता लग रहा है कि साइन थीटा है ना, इन दोनों के साथ लिखा जा सकता है, तो ये 1 अपॉन साइन थीटा प्लस ये कॉस थीटा अपॉन ये साइन थीटा। अब 1 अपॉन साइन थीटा ये हो गया मेरे पास कॉसेक थीटा प्लस कॉस अपॉन साइन हो गया कॉट थीटा। अब आप इसमें ऑब्जर्व कीजिए कौन सा है, यहां माइनस है, ये फिट नहीं बैठ रहा है इसमें, यहां देखिए कोसेक थीटा ये कॉट थीटा ये प्लस है, चेक करना है जल्दबाजी में टिक नहीं करना है, चेक करना है प्लस है या प्लस ही होना चाहिए, इसमें कौन सा ऑप्शन हिट होगा, बी, यानी इसका बी हमारे पास आंसर है। ऐसे क्वेश्चंस के लिए आइडेंटिटी याद करनी बहुत जरूरी है, बहुत से लिस्ट बनाओ और उनको एक पेपर के ऊपर लिख करके और बार बार उनमें दो बार कम से कम उनको देखोगे ना तो ये याद रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो शेयर करें, लाइक करें, दोस्तों को बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।